अरे तू आ गया, आज इतना लेट कैसे हो गया है? मम्मी वो बाहर मैं दोस्तों के साथ खाना खाने चला गया था। बाहर का खाना मत खाया कर, तो अगर तुझे कुछ भी खाना है तो मुझे बताना, मैं तुझे घर पे बना के दे दूंगी। बाहर का खाना मत खाया कर बेटा। मम्मी यार घर के खाने में वो बात नहीं है ना। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, आज मैंने तेरी फेवरेट राजमा चावल बनाई है, चल आज। हाँ हाँ खा लूंगा। शिवम यूनिफॉर्म चेंज कर लेना बेटा। इतनी देर तक काम थी और तेरा फोन भी स्विच ऑफ था है? मम्मी अभी 7 ही तो बजे है। कितनी बार कहा है तुझे शाम ढलने से पहले घर पे जल्दी आ जाया कर, पर नहीं तुझे तो सुननी ही नहीं है ना। वैसे भी आजकल दिन भी बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं। मम्मी मैं घूम थोड़ी रही थी, आज कॉलेज में विनय सर का लास्ट डे था तो बस यहीं पास में कचौली और खाने चले गए थे। और आप शिवम को क्यों नहीं डांटती हो कभी भी लेट आने पर? हर बात पे शिवम को बीच में मत लाया कर, मैं तुझे जो कहती हूँ ना तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। चल आजा जल्दी से खाना लगवा दे। और सुन कल कॉलेज की छुट्टी ले लेना ठीक है ना, तेरी कल चाची आ रही है, वो कुछ डॉक्टर को दिखाने के लिए आ रही है तो कुछ दिन यहीं पे रुकेगी ठीक है ना। मम्मी कल मेरे कॉलेज में बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है और परसों एग्जाम भी है। एक दिन की छुट्टी ले लेगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा तेरा? नहीं मतलब घर पे रहेगी तो घर के काम में थोड़ा मेरा हाथ भी बटा देगी ना। चल जा जल्दी अब खाना लगवा। और बताइए घर में सब ठीक? सब ठीक, ईश्वर की कृपा है पूरी। आप बताइए राघव कैसा है और उसकी छोटी गुड़िया कैसी है? राघव और उसकी गुड़िया दोनों एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया। अरे वाह शिमी इतनी बड़ी हो गई और चाय वाय भी बना के ले आ गई। काम तो सारा संभाल लेती है ये, क्यों नहीं बनाती होगी, बहुत होशियार हमारी शिमी बचपन से ही है। और सुना पढ़ाई का क्या हाल चाल है? पढ़ाई ठीक चल रही है मेरी, और लास्ट ईयर मैंने टॉप किया था। नाइस, आगे का क्या इरादा है, मतलब पढ़ाई करोगी या फिर जॉब करोगी? जॉब ही करूंगी जहाँ तक, तो गुड। और शिवम का कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो आता ही होगा स्कूल से। टीवी तुम जाओ किचन में और आटा भून लो, वो आते ही है ना रोटी मांगेगा ना, तो जाओ बना लो ठीक है। मम्मी वो मैंने कर दिया है, कल मेरा एग्जाम है तो जाके पढ़ाई कर लूँ मैं अभी। रात में पढ़ लेना ना, अभी चाची आई है, थोड़ी देर रुको इनके साथ बातें करो। नहीं नहीं बेटा जाके पढ़ाई करो, वो ज्यादा जरूरी है ना, बातें बाद में हो जाएगी। शाबाश जाके पढ़ाई करो। अरे आप चाय लीजिए ना। हाँ बिल्कुल जी जी लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ। शिवम उठ जा जल्दी, तेरा आज एग्जाम है, तैयार नहीं होना क्या? जल्दी उठ। बस 5 मिनट। ये 5 मिनट बोल बोल के है ना 1 घंटा हो गया, उठ जा बस आती होगी तेरी, जल्दी उठ। और सुन मैंने किचन में है ना तेरा लंच बॉक्स है ना पे करके रख दिया है, जाते हुए लेके जाना, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, मेरे को लेट हो रहा है ठीक है ना। जा रही हो तो बाहर का दरवाजा बंद कर देना ठीक है ना। उठे
मम्मी और चाची बाहर मंदिर गए हुए हैं, उठ के ताला लगा लिए, ठीक है ना? उठे हाँ, उठ गया मैं। बॉय अरे नमस्ते चाची। कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम? तो ठीक था। और बताओ आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दिखा लिया था ना? कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं अभी तो कहा, अभी तो मैं बस जान सोल करवा के आई हूँ, तो अभी डॉक्टर को दिखा के आई थी, तो उसी का वेट कर रही हूँ रिपोर्ट का। आई होप कि सब कुछ बढ़िया है। हाँ सब अच्छा ही होगा। सीवी इधर आना जरा। आती हूँ मैं। हाँ मम्मी क्या हुआ? तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता ना, इसे क्यों बोल रही हो? मैंने क्या किया? क्या मैं तुझे नहीं पता? आज तेरा भाई स्कूल जाते हुए लेट हो गया था, एग्जाम में कितना लेट पहुंचा तुझे पता है? बच गया वो तो ठीक है। अरे तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसको उठाया था ना। क्यों उठाया था ना? सो गया होगा फिर से तू। दीदी यार प्लीज, अगर मम्मी दीदी ने जल्दी उठाया होता ना तो मैं एग्जाम पूरा कर लेता टाइम पे। हाँ यू आर राइट। टॉपर है ना तू? हाँ टॉपर ही हूँ। चुप करो तुम दोनों। सी मैं तुझे कुछ जिम्मेदारी देती हूँ तो कुछ सोच समझ के ही देती हूँ ना। भाई छोटा है, उसे अभी समझ नहीं है, इसलिए तो मैंने तुझे कहा कि उसे उठा देना। बड़ी बहन की कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? यार मम्मी मैंने तो उसको उठाया था ना, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? मैंने तो उसको उठाया था, वापिस हो गया, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो उसको उठा दिया टाइम पे। अब उसको थोड़ा बहुत खुद को भी ख्याल रखना होगा ना, किसका एग्जाम मिस हो जाएगा। पर नहीं, सुबह चाहे कुछ भी करे घर में, डांट तो सिर्फ मुझको ही पढ़नी है ना। तंग आ चुकी हूँ मैं इससे। हर बात पे ऐसे ही मुंह फुला के बैठ जाती है। मम्मी यार मैंने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं सिवी, तुम्हारी मम्मी कुछ गलत नहीं कह रही है। चाची आप तो मेरी बात समझ लो। हाँ मैं समझ रही हूँ बेटा, सब कुछ तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। शिवम तो अभी एडल्ट हुआ नहीं जो अभी अपनी जिम्मेदारी ले है, अभी तो वो छोटा बच्चा है। मुझे तो ये लग रहा है अभी वो केजी या नर्सरी में है। अरे नहीं, हमारा शिवम तो 11th में है। क्या मजाक कर रहे हो? मेरे साथ तो उसे केजी में होना चाहिए अभी। क्यों मजाक कर रहे हो आप? नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, जब से तब से देख रही हूँ, शिवम के लिए खाना लगा दो, शिवम के लिए बेड लगा दो, शिवम के लिए ये कर दो, शिवम को स्कूल के लिए जगा दो। ये क्या चल रहा है? ये क्या है? हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है शिवम को खाना भी सीवी को अपने हाथों से खिलाना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी छोटा है, उसे तो अभी अपने खाने की समझ ही नहीं है। ऐसा नहीं है रश्मि, वो घर में सबसे छोटा है ना, तो उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है यार रश्मि। हाँ छोटा है पर अपनी जिम्मेदारियां तो ले सकता है ना, अपनी प्लेट तो ले सकता है, किचन से जाके अपनी रोटी तो ला सकता है, अपने लिए चाय तो बना सकता है। ये हम अपने बच्चों को क्या बनाते जा रहे हैं? ये लड़की है ना, बाद में बड़ी होगी प्रॉब्लमेटिक हस्बैंड बन जाते हैं। इन लड़कों का ये बिहेवियर है ना, पहले तो अपनी माँ और बहन को भुगतना पड़ता है और शादी के बाद बीवी को झेलना पड़ता है। तो एज पेरेंट्स हम लोगों का ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी लेना सिखाएं, बल्कि आज से क्यों, अभी से हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी लेना सिखाएं। और उससे पहले जो हम ये लड़के और लड़की में जो फर्क करना जानती है ना, हम उसे सुधारना सीखना होगा सबसे पहले। आप ना बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही ना अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी, उसे सही शिक्षा देने के बजाय उसकी गलतियों को बढ़ावा दे रही थी। आई एम सॉरी बेटा, न जाने मैंने कितनी बार शिवम की गलतियों की वजह से मैंने तुझे पता नहीं कितनी बार तुझे डांट दिया होगा। आई एम सॉरी बेटा।
शिवम शिवम इधर आओ जरा। क्या बेटा, मेरे लिए और चाची के लिए बढ़िया सी चाय बना दो, जाओ। मैं? हाँ तू जा। मम्मी मैं, मुझे नहीं आती चाय बनानी मम्मी। अच्छा चलो मैं ही बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं रुको रुको, शुभम बेटा तुम पूरे दिन फोन चेक करते रहते हो, तो यूट्यूब निकालो और उसमें तुम्हें एक अच्छी सी रेसिपी मिल जाएगी चाय की, जाओ बना के लाओ। जा जा चल। गुड बॉय।